शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमें कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम सबसे पहले अपने कानों को छूकर देख लें, अगर कान नहीं है तब आप कौवे के पीछे दौड़े। शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान पर हिंदू वाले बयान पर यह कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं कहा है, वे वैसा कोई गलत बात नहीं बोले हैं, वे तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए।